आपने कभी ऐसी वाटर स्लाइड देखी है जो आसमान से शुरू और जमीन पर जाके खत्म होती है? ऐसी वाटर स्लाइड जो ग्लास की बनी हो। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे खतरनाक वाटर स्लाइड्स के बारे में। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में वाटर पार्क छुट्टियां बिताने का एक बेहतरीन तरीका होता है। अगर आप सोचते हैं कि वाटर स्लाइड सिर्फ बच्चों की मौज मस्ती करने की जगह है, तो आप गलत हैं। आज की ये वीडियो देखने के बाद वाटर स्लाइड्स के प्रति आपका नजरिया ही बदल जाएगा। इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं दुनिया की 7 ऐसी सबसे खतरनाक वाटर स्लाइड्स के बारे में, जिन पर आपकी सांसें थम जाएंगी और आपका दिमाग हिल जाएगा। हमारी लिस्ट में नंबर 7 पे है किलिमंजारो वाटर स्लाइड, ब्राजील। किलिमंजारो वाटर स्लाइड ब्राजील के अगुआस क्वेंटेस कंट्री क्लब में स्थित है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार ये वाटर स्लाइड दुनिया की सबसे ऊंची वाटर स्लाइड है। इसकी ऊंचाई 164 फीट है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी ऊंची हो सकती है। यह वाटर स्लाइड इतनी खतरनाक है कि यहाँ के लोकल लोग इस पे चढ़ने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन फिर भी टूरिस्ट लोग इस वाटर स्लाइड का मजा उठाने के लिए दुनिया भर से यहाँ आते हैं। किलिमंजारो वाटर स्लाइड पर सवार इंसान जब 17 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई से गिरता है, तो उसके दिल की धड़कने जैसे थम सी जाती है और स्लाइड करने वाला इंसान कुछ ही सेकंड्स में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच जाता है। यानी स्लाइड शुरू होने के 5 सेकंड बाद ही वो नीचे बने पूल में जा गिरता है। ये वाटर स्लाइड इतनी खतरनाक है कि इस वाटर स्लाइड पर चढ़ने वाले 20 लोगों में से केवल एक इंसान ही नीचे तक पहुँच पाता है, बाकी के 19 लोग तो इसकी ऊँचाई से डर के ही भाग जाते हैं। इस वाटर स्लाइड पे स्लाइड करने से पहले आपका मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। नंबर 6 पे है माउंटेन वाटर स्लाइड, चीन। यह वाटर स्लाइड चीन के लिशुई प्रांत में एक पहाड़ी पर बनाई गई है, जो दुनिया की सबसे लंबी वाटर स्लाइड है। यह वाटर स्लाइड लगभग 3 किलोमीटर लंबी है, जो पहाड़ के किनारे किनारे बनाई गई है। पहाड़ की चोटी से शुरू होकर ये स्लाइड घने जंगल से होते हुए नीचे आती है, जिसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाती है। ये वाटर स्लाइड इतनी लंबी है कि इस स्लाइड के ऊपरी सिरे से नीचे तक पहुंचने में आपको लगभग 1 घंटा लग जाएगा और इसको बनाने में पूरे 2 साल का समय लगा था। इस वाटर स्लाइड की सबसे खतरनाक बात ये है कि यह दोनों साइड से कांच की बनी है। इसके ऊपर स्लाइड करते समय जब लोग नीचे की गहरी घाटी को देखते हैं, तो मानो उनके दिल की धड़कन रुक जाती है। 2019 में इस वाटर स्लाइड को दुनिया की सबसे लंबी वाटर स्लाइड होने की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। नंबर 5 पे है सुनामी सर्ज वाटर कोस्टर स्लाइड, जो सिक्स फ्लैग्स ग्रेट अमेरिका में स्थित है। इस वाटर कोस्टर स्लाइड की ऊँचाई 86 फीट है और लंबाई 950 फीट है। अगस्त 2019 में बनाए गए इस पार्क को दुनिया का सबसे ऊंचा वाटर कोस्टर होने का दावा किया गया है। ये एक वाइड वाटर स्लाइड है, जो ऊपर से नीचे की तरफ स्पीड बढ़ाने की बजाय स्लाइडर को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाती है, जिसके लिए हाई फ्लो वाटर जेट लगाए गए हैं। इसकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है। तेज बहाव के साथ इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स इसे और भी अधिक खतरनाक बना देते हैं। इस वाटर स्लाइड में मौजूद टनल्स में लाइटिंग इफेक्ट्स लगाए गए हैं, जो इसे और भी दिलचस्प बनाते हैं। नंबर 4 पे है ट्विस्टर एंड स्पीडी वाटर स्लाइड, ऑस्ट्रिया। ये वाटर स्लाइड ऑस्ट्रिया के लुक्समैन्सबर्ग प्रांत में स्थित है। इसका नाम ही काफी है यह समझने के लिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ट्विस्टर एंड स्पीडी दुनिया की सबसे लंबी वाटर स्लाइड्स में से एक है। हालांकि यह सबसे तेज तो नहीं है। इसकी ऊंचाई 660 फीट और जटिल ट्विस्टर डिजाइन ही इसे सबसे अधिक एड्रेनालाइन वाटर स्लाइड में से एक बनाती है। यह स्टेनलेस स्टील से बनी एक बहुत लंबी बॉडी स्लाइड है। इस वाटर स्लाइड में आपको वर्चुअल रियलिटी के साथ स्लाइड करने का ऑप्शंस भी मिल जाएगा, जो कि एक बेहतरीन अनुभव होगा। नंबर 3 पे है यूनिवर्सल्स वोल्केनो बे, फ्लोरिडा। इस वोल्केनो पर 3 वाटर स्लाइडर्स बनी हैं, जिनकी हाइट सेम है,
जो कि 125 फीट है। ऊंचाई के हिसाब से ये दुनिया की टॉप 10 सबसे ऊंची वाटर स्लाइड्स में से एक है। इस स्लाइड में एंट्री लेने के लिए आपकी हाइट कम से कम 4 फीट और वजन 300 पाउंड का होना जरूरी है, वरना आपको इस वाटर स्लाइड में चढ़ने की परमिशन भी नहीं मिलेगी। इस वाटर पार्क का मुख्य आकर्षण केंद्र क्राकाटाओ है, जो 200 फुट लंबा एक ज्वालामुखी है, जिसमें दिन के दौरान झरने होते हैं और रात में लावा बहता है। इस वोल्केनो से उठता धुआं और हॉरर म्यूजिक आपको किसी और ही दुनिया में ले जाएगा। ये फ्री फॉल बॉडी वाटर स्लाइड है। नंबर 2 पे है स्लिप स्लाइडिंग वाटरफॉल, कनाडा। यह वाटर स्लाइड ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में स्थित है, जो 35 मीटर लंबा है। यहाँ की वाटर स्लाइड बहुत खतरनाक स्लाइड है, क्योंकि इसे इंसानों ने नहीं बल्कि खुद कुदरत ने बनाया है। इस नेचुरल वाटरफॉल पर एडवेंचर के शौकीन लोग अपने अजीब कारनामे और स्टंट दिखाने के लिए दुनिया भर से आते हैं। इस वाटर स्लाइड पर थोड़ी सी भी चूक आपको मौत के मुंह में धकेल सकती है, क्योंकि पानी का ये झरना एक बड़े गड्ढे में जाके गिरता है और ये गड्ढा बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में बना हुआ है। इस वाटर स्लाइड से आए दिन कोई न कोई जख्मी होता रहता है, लेकिन फिर भी एडवेंचर के शौकीन लोग अपने स्टंट दिखाने से बाज नहीं आते। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 25 सालों में यहां 20 लोगों की जान जा चुकी है। नंबर 1 पे है डेडल क्लिफ वाटर स्लाइड, अमेरिका। दुनिया के सबसे खतरनाक वाटर स्लाइड में से एक यह वाटर स्लाइड अमेरिकन रेगिस्तान के बीच में एक पहाड़ की चोटी पर बनाया गया है। इसे एडवेंचर के शौकीन कुछ सरफिरे लोगों ने जमीन से 500 फीट ऊंचे पहाड़ पर बनाया है, जो देखने में बहुत ही भयानक है। मजे की बात ये है कि इस पहाड़ से नीचे पानी नहीं है, बल्कि पत्थर ही है। इसमें लोग शुरुआत तो वाटर स्लाइड से ही करते हैं, लेकिन जमीन पर पैरासूट से उतरते हैं। यह दुनिया की सबसे ऊंची स्लिप एंड स्लाइड है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी वाटर स्लाइड सबसे ज्यादा खतरनाक लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। हो सके तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।